मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के धारावी में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया गया। बीते दिनों इसको लेकर जमकर हुआ था बवाल। मस्जिद के बाद निर्माण को तोड़ने गई बीएमसी की टीम पर भी भीड़ ने किया था हमला। अब खुद मुस्लिमों ने तोड़ा अवैध निर्माण। वेस्टर्न रेलवे लाइन पर छठी लाइन के निर्माण कार्य के लिए मलाड से राम मंदिर के बीच 4 अक्टूबर तक मेगा ब्लॉक। इस दौरान 150 से अधिक लोकल सेवाएं रहेंगी रद्द। दरअसल सीमित स्पीड में ट्रेन चलाने का लिया गया है फैसला। पश्चिम रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक के चलते पिक आवर्स में यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। दरअसल देरी से चल रही है लोकल सेवाएं जिसके चलते ट्रेनों में हो रही है भारी भीड़। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने मुंबई का घर बेचने के बाद खरीदी लग्जरी कार करीब 3 करोड़ की बताई जा रही है। रेंज रोवर की गाड़ी 32 करोड़ में बेचा था पाली हिल वाला बंगला। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना को मिला 8,498 करोड़ रुपए का फंड। स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत म्हाडा करेगी घरों का निर्माण। मुंबई के रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में रहने वाले करीब 16,000 परिवारों को मिलेंगे फ्री में घर। दिवाली, छठ और नवरात्रि से पहले सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को दिया तोहफा। पुणे से दानापुर, झेलम और गोरखपुर के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए 180 स्पेशल ट्रेन चलाने का भी किया गया है ऐलान। मुंबई पुणे की दूरी होगी कम। दो पहाड़ों के बीच बन रहा भारत का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज मिसिंग लिंक फिलहाल अंतिम चरण में है काम। इसके खुल जाने के बाद 25 मिनट तक का बचेगा समय। आर्थिक राजधानी मुंबई में हार्ट अटैक के चौंका देने वाले मामले आए सामने। हर 55 मिनट में एक व्यक्ति हो रहा है हार्ट अटैक का शिकार। एक दिन में करीब 27 लोगों की जा रही हार्ट अटैक से जान। महाराष्ट्र के लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तीसरे चरण की किस्त हुई जारी। पहले दिन योजना के 34,74,116 लाभार्थियों को खाते में ट्रांसफर किए गए 521 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। सोलापुर एयरपोर्ट और पुणे मेट्रो के पहले चरण का किया उद्घाटन। जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच उल्हासनगर की शमशान भूमि में दफनाया गया बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का शव। रविवार को दिन भर हुआ था खूब बवाल। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था शमशान। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभिनेता को अवार्ड देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर जाना हलचल। दरअसल एक रैली के दौरान कांग्रेस चीफ की बिगड़ गई थी तबीयत। थोड़ी राहत महसूस होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था भाषण और मोदी सरकार पर जमकर बोला था हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का दिया जवाब जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के प्रति नफरत और डर दिखा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अपने स्वास्थ्य में जबरन पीएम को घसीट रहे कांग्रेस चीफ जबकि पीएम मोदी करते हैं उनके स्वास्थ्य की कामना। वन नेशन वन इलेक्शन पर 3 बिल लाएगी सरकार। इसमें से 2 होंगे संविधान संशोधन बिल। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में या बजट सत्र में लाएगी ये बिल। कुंभ के मेले में गांजा बेचने की मांग करने वाले सपा सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी मुश्किलें। बयान को लेकर यूपी पुलिस ने दर्ज किया केस। बयान को लेकर गाजीपुर कोतवाली में उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ला द्वारा दर्ज कराया गया ये मुकदमा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के बाद दिखा तेंदुए का आतंक। खेत में रखवाली कर रहे किसान पर हमला कर उतारा मौत के घाट। शत विच्छत अवस्था में मिला शव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फिर देखने को मिला बाघ का आतंक। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ खेत में काम कर रहा किसान। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिछले कुछ महीनों में बाघ ने ली है कई लोगों की जान। राजस्थान के उदयपुर में जारी है पैंथर्स का आतंक। पिछले 11 दिनों में पैंथर्स के हमले में 7 लोगों की हुई मौत। आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग चला रहा ऑपरेशन। लोगों में फैली दहशत।
उफान पर है गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान और गंगा समेत कई नदियां। बिहार में पानी में डूबे घर, सड़क, पुल और ऊंची इमारतें, मुसीबत में फंसी लाखों जिंदगियां। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम हुई तैनात। बिहार में जमकर देखने को मिल रहा जल तांडव। कोसी नदी का बांध टूटने के बाद कई इलाकों में आई बाढ़, 5 लोगों के पानी में डूबने की खबर। नेपाल में बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 42 लोग अभी भी हैं लापता। बड़े पैमाने पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के महल जिले में डंपर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई निजी बस, हादसे में 9 यात्रियों की हुई मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम यादव ने जताया शोक। मुख्य कमांडर के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर किया मिसाइल से हमला। बंकरों में भागते दिखे हजारों लोग। हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों पर इसराइल के एयर स्ट्राइक। यमन में कई ठिकाने हुए तबाह। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। मयंक यादव को मिली सरप्राइज एंट्री, ईशान किशन को नहीं मिला मौका। बांग्लादेश ने भी किया टीमों का ऐलान। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इन24 न्यूज के साथ। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।